संविधान पढ़ने जा रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला समिति संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। धन्यवाद। और समय भी हो रहा है ऐसे जी मैम, मेरी तरफ से इस मंच से सभी को नमो बुधाय, जय भारत, जय संविधान। जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अब आपका अनुमति मिल चुका है तो मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय विनोद कुमार सर को, प्रस्तावना के लिए आए और कार्यक्रम का प्रस्तावना प्रस्तुत करें। सर का स्वागत है, आदरणीय विनोद कुमार सर। सभी साथियों को नमो, जय ओबीसी, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों, जैसा देव प्रताप जी ने कार्यक्रम के बारे में बताया, एक्चुअल में ये जो ओबीसी अधिकार मंच है ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हम कोल इंडिया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और सहयोगियों द्वारा जो फालतू समय हम लोग इधर उधर गुजारते थे उसको एक समय को उपयोगी बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। और जैसा कि देव प्रताप जी ने बताया कि ये आपका फर्स्ट मई से शुरुआत है और अभी तक ये चल रहा, और हम लोगों ने सोचा है कि जो 52 वीक्स होते हैं पूरे साल भर में, तो हर वीक में किसी न किसी हमारे भजन या मूल निवासी या जीवी समाज के जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, नायक नायिकाएं हैं, उनके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जो अनसुने पहलू हैं, जो हमको नहीं बताए जाते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, अधिकांश महापुरुष हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, नहीं बताया जाता, तो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। हम केवल पाखंडियों के परजीवियों के ही महापुरुषों के बारे में, जिसको महापुरुष तो नहीं है वो कहना चाहिए कि उनको हम राक्षस कहेंगे, हम राक्षस नहीं है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है और हमको महापुरुष बताया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम लोग ने इस श्रृंखला में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चों को, किसी भी नागरिक को अगर हमको जागरूक करना है तो इसके लिए जागरूकता का सिद्धांत है कि भाई हमारे दोस्त कौन है उसकी पहचान करना, हमारे दुश्मन कौन है उसकी पहचान, हमारी क्या ताकत है, हमारे दुश्मन की क्या ताकत है, और अगर ये चारों चीज हमको पता हो जाती है तो उसके बाद हमको अब गाइडेंस चाहिए, आगे का मोटिवेशन चाहिए, कैसे हम स्ट्रगल करेंगे, कैसे संगठित होंगे, कैसे संघर्ष करेंगे, तो हमको जाना पड़ता है अपने महापुरुषों के आदर्शों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर जाना पड़ता है, उनकी विचारधारा पर। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है सभी महापुरुषों को, प्लस इसके अलावा हमारे भारत में हमारे हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्याएं हैं, हर समुदाय की समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उस समस्याओं का कारण है, और अगर वो कारण है तो उसका निवारण है, और उसका सिर्फ और सिर्फ आप, हम, हमारा समाज, हमारा संगठन ही उसका निवारण कर सकता है। ये बुद्धा ने आज से 2500 साल पहले कह चुके हैं। तो उस चीज के लिए हमारे संविधान, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सिर्फ वही और सिर्फ एक ही ग्रंथ है, एक ही हमारा समाधान करने का साधन है भारत का संविधान, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है और जिसके बारे में हमारा मूल निवासी जीवी समाज नहीं जानता है,
नहीं पढ़ता है, जानने की कोशिश नहीं करता, जो उसको जानने की कोशिश किया तो इसको कैसे इसको पोस्टमार्टम करना है, कैसे इसका दुरुपयोग करना है, वो कर रहा है आज आजादी के 74 साल बाद। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दो संविधान विशेषज्ञ, संविधान पाठशाला चलाने वाले आदरणीय विशंबर सिंह साहब, सुरेश चंद्रा साहब जुड़े हुए हैं। ये काफी अच्छा संविधान की पाठशाला चलाते हैं, शायद हफ्ते में प्रतिदिन रहता है, आपको जब वो व्याख्यान देंगे तो बताएंगे, उसमें हम जान सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम में सर केवल एक ही आर्टिकल पर चर्चा किया जाता है, अधिकतम 5 से 10 मिनट तक, और महापुरुषों पर ज्यादा चर्चा किया जाता है। बाकी जो समय बचता है तो जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम से ज्वलंत समस्या है उस पर 2 घंटे बाद जो खुला मंच है ओपन टॉप उस पर किया जाता है। ये छोटा सा चीज था। साथ ही हम लोगों ने आज के दिन जो हमारी पर्सनालिटी है, शहीद भगत सिंह है, हम जिनको शहीद बोलते हैं, एक्चुअल में दुनिया के देशों में भारत ऐसा देश है जहां अभी आज के दिन में सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। चीन भी हमसे पीछे, चीन में बुजुर्ग बहुत है, सबसे युवा यहीं पर। हमारे देश पर मत मिटने वाले भगत सिंह का आज भी देखिएगा कई जगह पर उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ये कितने दुख की बात है। अगर कायदे से हम तो कहते हैं कि अगर आज से आप देखे होंगे, कल 2 अक्टूबर था और 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती थी, और कल 2 अक्टूबर को यानी उनके जयंती के 3 दिन बाद गांधी जी का जयंती है, उस जयंती को, राष्ट्रपिता की जयंती को इतना पब्लिसिटी किया जाता है, भारत सरकार या राज्य सरकार एक छुट्टी देती है, लेकिन जो वाकई में जो शहीद है, जो हमारे युवा थे, हम कहते हैं उनको राष्ट्रपिता नहीं, उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा देना चाहिए। हम ये भारत सरकार या राज्य सरकार सभी से मांग करते हैं कि उनको इस युवा को जो बहुत ही कम समय में इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, इस समाज के लिए कुर्बान हुआ, देश के लिए कुर्बान हुआ, उन्हें राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथियों, उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक बहुत सारे संघर्ष उन्होंने किया। आज आप देखते हैं गांधी ने चरखा चलाया, चरखा चलाते चलाते गांधी जी चले गए, लेकिन हम लोग अब कलम चलाना सीख लिए, हमको चरखा चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज को कलम चलाइए, कलम चला के अपने विचारों को, हर चीजों को लिखिए, अपने महापुरुषों के बारे में हर जगह पूरा फैलाइए। भगत सिंह से वैंसी के अलावा भी देखिएगा, आई कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, कई ऐसे चिंतक हुए हैं और कई ऐसे हमारे विचारक हुए हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। भगत सिंह को लोग सोचते हैं कि केवल उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, नहीं साथियों, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं, जब वो फांसी चढ़े हुए थे, जब उनको फांसी की सजा हुई थी, तो हमारे देश में 2 बहुत बड़े वकील, महात्मा गांधी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, उन्होंने कहीं उनकी फांसी के लिए कोई जिरह करने नहीं गया, और उनको फांसी देने में सर सादी लाल जैसे जो परजीवी समाज के लोग हैं, ऐसे लोग और उनके अगेंस्ट में काम करने वाले परजीवी समाज के बैरिस्टर थे, इन लोगों ने उनको फांसी के तख्त पर ले जाने की कोशिश की, और ये उनका जिरह सही नहीं था। उस समय जिस अदालत में उन्हें पेश किया गया था, जो उस समय के एक मुस्लिम जज थे, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम इसमें कोई निर्णय नहीं देते, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया गया था। भगत सिंह मानवता के सही आदमी थे, भगत सिंह मानवतावादी थे, भगत सिंह पाटन अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपना जेल में रहते हुए मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप पढ़िएगा क्यों हूँ, उसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, जिसको की भी प्रसार नहीं करता, वे आज के टॉपिक में हमारे भगत सिंह है। अब मैं ज्यादा जय संविधान, मेरी आवाज पहुंच रही है सबको सर? जी सर, जी सर। हृदय सम्मानित साथियों, आज निसंदेह ये विश्व हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज के इस वेबिनार में हम शहीद आजम वीर भगत सिंह के जीवन आयामों पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं उनकी जन्मतिथि, परिवार गणना आदि अन्य निजी गिनतियों पर नहीं जाना चाहता, अभी तो इसकी अपेक्षा मैं उनके खास व्यक्तित्व पर आज कुछ विशेष चर्चा और विशेष संगठनाओं और विचारों के मिलकरों पर कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ।
साथियों, सर्वप्रथम मैं निवेदन कर दूं कि भगत सिंह इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने अपने देश की इस आजादी के लिए अपनी शहादत दी, अपितु भगत सिंह तो इसलिए महान है कि शहीद होने से पहले ही उन्होंने अपने विचार, अपने कौशल, अपने चिंतन और अपनी वैज्ञानिक विचारधारा से इस देश को एक विशेष गति प्रदान की, जिसका इस देश को विशेष परिस्थितियों में और विशेष लंबे समय से जरूरत थी, उस विचारणा की, उस विचार श्रृंखला की जरूरत थी, वो उन्होंने प्रदान की। एक सामान्य से परिवार में, किसान परिवार में जन्मे, परिवार की परिपाटी थी कि देश की समस्याओं के लिए लड़ना, देश की समस्याओं के लिए आंदोलित होना। इसलिए कहते हैं कि उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल में थे, क्योंकि उन्होंने देश में किसानों की समस्याएं सरकार के खिलाफ उठाने के कारण जेल में डाल रखा था। ऐसी शख्सियत जो ऐसे परिवार से आती थी, उसमें ऐसा गर्म खून क्यों न होता जो इस देश के आम जन के सरोकारों को देखकर लड़ने की हिम्मत न दिखाए। साथियों, भगत सिंह शहीद हुए, उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। मैं फिर कहता हूं कि वो इसलिए महान नहीं है, उन्होंने तो इस देश के लिए जो विचार दिया वो इसलिए महान है। उन्होंने कहा था कि अगर आजादी हमें मिल भी गई तो उस आजादी का हम लेकर करेंगे क्या, क्योंकि इस आजादी से तो केवल राजा बदलेगा, और राजा भी क्या बदलेगा, केवल राजा का रंग बदलेगा, और जो दूसरा राजा हमारे रंग का जो हमें मिलेगा वो तो उससे भी घातक होगा, क्योंकि सदियों से वो तो इस देश का पहले से ही शोषण करता आ रहा है। जो इस समय जो विदेशी राजा है उसमें तो फिर भी किसी ने किसी दबाव में और किसी ने किसी जो उन्होंने इजाद किए हैं, प्रयास किए हैं, उससे कुछ लोकतंत्र, कुछ आधुनिकता और कुछ समता की क्षमताएं हैं, कुछ समता की उनमें विशेषताएं हैं, परंतु जो देशी राजा है वो तो सदियों से इस देश को लूटता आ रहा है, निचोड़ता आ रहा है, इस देश की जनता को गुलाम बनाकर उनसे अपने स्वार्थ सिद्ध करता आ रहा है। वो तो इस देश की जनता को बिल्कुल ही पीड़ित कर देगा, पीस देगा। इसलिए भगत सिंह को ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी, और ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी इसीलिए उन्होंने इस आजादी को नकारा, जिस प्रकार की आजादी दूसरे संगठन इस देश में चाहते थे। साथियों, आप समझते हो कि अंग्रेज ये मानते थे कि चरखे और हाथ जोड़ देने से इस देश को छोड़कर वो चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। अंग्रेज दो चीजों से डरते थे, एक हथियार से और दूसरे विचार से। और सौभाग्य कहिए या अंग्रेजों का दुर्भाग्य कहिए, सरदार भगत सिंह के पास दोनों ही थे। उनके पास हथियार भी था, उनके पास विचार भी था, उनके पास साहस भी था और उनके पास लड़ने का जज्बा भी था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ हर वो प्रपंच किया जिससे उनके इस क्रांति को किसी भी प्रकार से दबाया जा सके। सब रास्ते उनके बंद कर दिए, उनका लेखन सामग्री बंद कर दी, उनको खाने पीने के नाले पड़ गए, उनको हर तरफ से दबा दिया गया और हर प्रकार से उन्होंने अपने प्रशासन और शासन के बल पर किसी भी प्रकार से पकड़ लेने या वहीं पर मार देने के प्रपंच रचे गए। इसलिए भगत सिंह ने अंततः ये एक बड़ा कठोर निर्णय लिया। उनको पता था अंग्रेज तो जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे उनको मौत की सजा निश्चित है। उसके बाद भी उन्होंने वो निर्णय लिया, वो बेशक घातित था, परंतु उनकी इस घातित्व में ही सरदार भगत सिंह की महानता परिलक्षित होती दिखाई देती है। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाने का निर्णय लिया और गिरफ्तार करवाने के पीछे उनके तीन उद्देश्य हल करने की मंशा थी। पहला उद्देश्य था इस समय की पहरी सरकार के कान खोलना, इसीलिए उन्होंने असेंबली में जाकर बम फोड़ा। वो बम किसी की हत्या करने के लिए, किसी को मारने के लिए या किसी इमारत को उड़ाने के लिए नहीं था, वो केवल एक ऐसा धमाका करने का था जिससे सरकार को ये पता चले कि उनके कान उनको खोलने पड़ेंगे और इस आम जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा।
दूसरा जो दूसरा उनका उद्देश्य था, अभी तक इस देश के क्रांतिकारियों को यहाँ के लोग केवल कुछ भटके हुए और जोशीले जवान मानते थे, लेकिन भगत सिंह को कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, भगत सिंह ने बाबा साहब को जाना था, भगत सिंह ने ज्योतिबा फुले को जाना था, भगत सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा था, उन्होंने जाना था, उन्होंने माना था कि क्रांतियां इस देश की किसी भी देश की युवा शक्ति के जज्बे के द्वारा ही सफल होती है। इसलिए वो अपना थोड़ा सा जो जीवन का आवश्यक था उसको इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। जैसे कि अभी विनोद सर बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मेरी शादी तो सिर्फ मेरी मौत से होगी, इससे बड़ी देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कोई और अपने मन में ला भी कह सकता है। उम्र क्या थी शहीद भगत सिंह? साथियों, उन्होंने जो दूसरा अपना उद्देश्य बनाया कि हम गिरफ्तार होकर इस देश की जनता को यह बताएंगे कि इस देश के क्रांतिकारी केवल कुछ भटके हुए नौजवान नहीं है, केवल कुछ जोशीले नौजवान नहीं है, वो इस देश की प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक समस्या और इस देश के लिए जरूरतों को समझते हैं, और वो केवल लड़ने वाले नौजवान नहीं है, वो केवल लड़ने वाले देश के लिए बलिदान होने वाले नौजवान नहीं है, वो विचारक भी हैं, वो इस देश की जो आवश्यकताएं उनको जानने वाले भी हैं और इस देश की समस्याओं का निपटान करने में भी समर्थ है। इसलिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। और तीसरा जो उद्देश्य था उनका, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके सब रास्ते बंद कर दिए थे, छुपते फिर रहे थे, भेष बदल कर रहना पड़ता था, उनकी कोई सामग्री लिखित में किसी अखबार में उनकी खबरें नहीं आती थी, तो इस प्रकार से उनके विचार जनता तक कैसे पहुंचते? उन्होंने जो ये अपना आत्मघाती निर्णय लिया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने अपने विचार को इस देश की जनता के मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए इस देश की अदालत को ही अपना पटल बनाया, क्योंकि उस समय अदालत की प्रत्येक कार्रवाई छपती थी, प्रत्येक कार्रवाई का रिकॉर्ड बनता था, और उन रिकॉर्डों को उस समय के अखबार जो जरूरी जरूरी बातें होती थी उसको छापते थे। और क्योंकि भगत सिंह उस समय तक बम फोड़ने के कारण और दूसरे जैसे सैंडर्स की हत्या के कारण देश में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए लोग उनको जानते थे, और ये लाजमी था कि उनकी इस प्रक्रिया की कार्रवाई अखबारों में छपेगी। इसलिए उन्होंने उस समय न्यायालय के पटल को ही अपने विचारों के संप्रेषण का माध्यम बनाया कि लोग अब तो हमारी बात जानेंगे, और अंग्रेजों को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ये क्रांतिकारी उनके साथ इस प्रकार की चतुराई भी कर सकते हैं, अन्यथा वो उसी दिन वहीं पर गिरफ्तार करते हुए ही उनका एनकाउंटर कर सकते थे, उनको मार सकते थे, परंतु वो अदालत में आए, 2 साल लगभग उनका मुकदमा चला, और उस मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको एक बार आप पढ़कर देखिए कि भगत सिंह के विचार इस देश के लिए कितने जरूरी और कितने महान हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने क्रांतिकारियों के विचारों को उस देश के समक्ष रखा है, इस प्रकार की समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखते हुए इस देश के लोगों को उनकी हालात के बारे में समझाया, ये सब बातें विशेष तौर से जानने की है जिसका उन्होंने इस अदालत को ही अपना एक प्रकार से पटल बना लिया था। मित्रों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शारीरिक रूप से शहीद हो गए, परंतु मेरा मानना है उस दिन एक नए भगत सिंह का जन्म हुआ, एक ऐसे भगत सिंह का जन्म हुआ जिसके विचार अब प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में और प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर थे। मैं ये मानता हूं जिस प्रकार मार्क्स को एंजल जैसा अनुयायी मिला, उसी प्रकार का एक अनुयायी भगत सिंह को मिला होता तो आज ये देश लाखों करोड़ों भगत सिंहों से भरा होता। आज हम देखते हैं कि आज की स्थिति हमारे देश की बहुत बुरी, आज फिर से भगत सिंहों की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार के विचार भगत सिंह ने देश को दिए उन विचारों की आज की स्थिति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष लेख लिखे और वो लेख आज आपको पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। मैंने कई बार कई पटलों से आवाज उठाई है कि ये देश अगर भगत सिंह को अपना मानता है, अगर भगत सिंह को ये देश चाहता है, अगर इस देश की सरकार भगत सिंह को वास्तव में इस देश का शहीद मानती है,
तो भगत सिंह के विचारों को इस देश के विद्यालयों की पुस्तकों में क्यों स्थान दिया जाता? उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों और उनके द्वारा लिखे हुए लेखों को इस देश के विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? और सर कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आज तक भगत सिंह को राजकीय रूप में शहीद वाकई बार बार दरकिनार करने का प्रपंच किया है। साथियों, भगत सिंह ने एक लेख लिखा था जिसका मैं आपके सामने तुरंत जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं? बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म को छोड़ा उस समय उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी और उन 22 प्रतिज्ञाओं का निचोड़ यही है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस विश्व में विद्यमान नहीं है। आपके दुखों का कारण पूर्व जन्म और बाद का जन्म नहीं है, आपके दुख यही इसी संसार में कुछ लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और आपको धर्म के प्रपंच में फंसाकर आपको सदियों तक पीढ़ियों तक निचोड़ा जाता है। उसी बात को भगत सिंह ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने इस लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में छापा है, लिखा। सभी मेरे नौजवान साथियों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको इस लेख को एक बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भगत सिंह ये बात कहते ही क्यों है कि मैं नास्तिक क्यों, ताकि हमें पता चले कि सदियों तक इस देश को निचोड़ने वाले कौन हैं, उन्होंने इस देश को किस प्रकार से निचोड़ा है और इस देश की बहुतायत जनता को किस प्रकार से ठगा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म छोड़ा और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं करवाई, आज हम बाबा साहब की मूर्ति पर, भगत सिंह की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उनके विचारों को पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। साथियों, ये जो हमारे महापुरुष हैं, इनको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उन्हीं परजीवियों की परिपाटी को निभा रहे हैं जो हमें सदियों से निचोड़ते चले आ रहे हैं। आदरणीय भगत सिंह ने एक लेख और लिखा था जिसका नाम है अछूत समस्या, और ये समस्या नहीं इस देश की भयानक विडंबना है जिसमें इस देश के व्यक्तियों को ही टुकड़ों में बांट दिया, ऊंच नीच बना दिया। अरे वो कैसा ईश्वर है, वो कैसा भगवान है जो ऊंचे और नीचे पैदा करता है? अगर वो भगवान है तो मैं उसे भगवान मानता ही, लेकिन अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह को पढ़ोगे तो वो आपके सामने इस प्रपंच को खोल के रख देते हैं। अछूत समस्या में स्वयं भगत सिंह ने लिखा है, मैं उसकी ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो जाएंगे, कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा, ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। ये भगत सिंह ने लिखा था। भगत सिंह ने बताया था 21वीं सदी में आप जा रहे हो, लेकिन आज तक आप अपनी इस भयानक विडंबना को छोड़ नहीं पाए हो। तुम कैसे पढ़े लिखे हो, इस देश के कैसे विद्वान हो और इस देश के कैसे समाज सुधारक हो जो तुमने अभी तक अपने दिमाग से ये गंदगी नहीं निकाली कि ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति। भगत सिंह आगे लिखते हैं इसी लेख में, कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, निसंग माने नंगा, लेकिन एक इंसान का स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अरे कैसा धर्म है ये, कैसा धर्म है जो किसी व्यक्ति के छूने और उसके उन धार्मिक स्थलों पे पहुंच जाने से ही भ्रष्ट हो जाता है? जब उन धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता है तब तो भ्रष्ट नहीं होता। उस देश, उस धार्मिक स्थल की प्रत्येक ईंट इस देश का अछूत पिछड़ा मजदूर बनाता है, उस मंदिर का निर्माण इस देश का अछूत और पिछड़ा करता है, उस मंदिर की मूर्तियों का निर्माण अछूत और पिछड़ा करता है, उस मंदिर के अंदर जो घंटी बजती है उस देश, उस मंदिर के अंदर जो ढोल बजता है उस देश की, उस मंदिर के अंदर जो अन्य साज श्रृंगार होते हैं
वो सारा का सारा निर्माण इस देश के एससी एसटी और ओबीसी करते हैं, तब वो अपवित्र नहीं होता, लेकिन जब उस पर परजीवी का कब्जा हो जाता है तब वो हमारे सब रास्ते बंद करके हमारे लिए उस मंदिर को ऐसी ऐसा स्थान बना देता है जिसके हम लायक ही नहीं होते, लायक नहीं छोड़ते। तो भगत सिंह ने इसीलिए लिखा छूत समस्या, और इसका निदान क्या, इसका निदान सिर्फ ये है कि इस प्रकार के परजीवियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, उनको दरकिनार किया जाए। मुझे याद आया अछूत समस्या पढ़ते पढ़ते कि बाबा साहब ने किस प्रकार महाड़ आंदोलन चौदार तालाब का पानी किस प्रकार से पीकर वहां के नियम को तोड़ा था। बाबा साहब ने उस समय भी कहा था कि इस तालाब में गाय भैंस भेड़ बकरियां कुत्ते तक घुस सकते हैं, लेकिन हम इंसान इसमें से पानी नहीं पी सकते। ये हालात इस देश में हमारे, महात्मा गांधी ने कहा था आप हमारे भाई हो, परंतु बाबा साहब ने कहा था आप तो भाई की बात करते, अरे मेरा तो देश ही नहीं है, अरे मैं तो आपके साथ बैठ के पानी भी नहीं पी सकता। वही बातें सारे भगत सिंह ने भी कही थी अपने जीवन में, पर सिर्फ ये रहा कि हमने न भगत सिंह को पढ़ा, न हमने बाबा साहब को पढ़ा, न हमने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, न हमने संत रामदेव को पढ़ा, न हमने पेरियार को पढ़ा। क्या पढ़ा? रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, गीता पढ़े, वेद पढ़े। वो सब क्या है? वो सब प्रपंच है, वो सब षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि उनको मत पढ़ो, लेकिन उनको पढ़ो तो अपने दिमाग के कोने प्रत्येक कोने को खोल कर पढ़ो, ताकि आप जान सको आपके खिलाफ उसके अंदर लिखा क्या क्या गया है, आपके खिलाफ उसके अंदर बताया क्या क्या गया है, आपके खिलाफ उसके अंदर किस प्रकार के षड्यंत्र की रचना की गई है। इसलिए पढ़ो, ये जानने के लिए पढ़ो। पढ़े मैंने भी हैं, लेकिन मैंने उनको इसलिए पढ़ा ताकि उनकी परजीवियों की खोल को पहचान सकूं। अगर हमें पढ़ना है तो बाबा साहब का जाति भेद का उच्छेद पढ़िए, अगर हमें पढ़ना है तो संतराम बी का हमारा समाज पढ़िए, अगर हमें पढ़ना है तो गुलामगिरी पढ़िए। ये है हमारे वास्तविक ग्रंथ। अगर महादेव बोलते हैं, जो ये अल्लाह अकबर बोलते हैं, इनसे बच जाओ, ये इस देश के टुकड़े करेंगे। ये पहले ही कह दिया था, और बाद में वाकई में भगत सिंह तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बात रही, इस देश के टुकड़े हुए, ये देश टूट गया दो टुकड़ों में। साथियों, मैंने अपने जीवन में 2-3 बार बाघा बॉर्डर जाने का मौका, मस्ती की होती है, मजे करने की होती है, लेकिन भगत सिंह शुरू से ही इस देश की विडंबनाओं पर चिंतन करने वाले एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही ऐसी चमक बिखेरी कि पूरा देश आज भी उस चमक से प्रकाश पाता है, उस चमक से रास्ता पाता है, उस चमक से इस देश का गर्व और गौरव महान बनता है, ऊंचा उठता है। ऐसी विलक्षण चेतना का व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ भगत सिंह के रूप में, कि जिसने इस देश को वाकई में रास्ता दिखाया। उसके प्रत्येक लफ्ज को, प्रत्येक शब्द को फिर से जानने और पढ़ने की आवश्यकता है, उनको एक बार फिर से सीखने और समझने की आवश्यकता है। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं है, भगत सिंह केवल एक शहीद नहीं है, भगत सिंह वास्तव में एक बहुत बड़ा संस्कार है जिसे आज इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत, जिसकी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। याद, हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि संविधान होता क्या है, स्वतंत्रता होती क्या है, समता होती क्या है, बंधुत्व क्या होता है, एक दूसरे के सरोकार सहभाव होता क्या है। और उसी प्रकार से जब हम भगत सिंह को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे समाजवाद क्या होता है, समानता क्या होती है, हक और अधिकार क्या होते हैं, साम्यवाद क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो इस देश के कमेरा वर्ग है, इस देश का किसान है, मजदूर है, इस देश में मेहनत करने वाला, काम करने वाला, कमाकर खाने वाला, उनकी वास्तविकताएं क्या है, वो सब एक है। पश्चिमी बंगाल में जब 47 में आजादी के बाद जो दंगा हुआ, उस दंगे में पूरा देश तटमर रहा था, पश्चिमी बंगाल में तटमर रहा था, परंतु एक जगह दंगा नहीं हुआ, ट्रेड यूनियनों में, जो ट्रेड यूनियन थी जिसमें मजदूर काम करते थे, जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों के मजदूर काम करते थे, वहां दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वो भगत सिंह को जानते थे, कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते थे, वो जानते थे कि हमारे भुजाओं से, हमारे भुजाओं के निर्माण से इस देश की
इस देश का भवन बनता है, इस देश का की सभ्यता निर्मित होती है। और वो जानते थे कि आपस में हमें लड़ाने वाले कोई और है और हमारे लड़ने पर जो कुछ फायदा होगा वो उन्हीं को होगा, हमारा केवल नुकसान होगा, इसलिए वहां दंगा नहीं हुआ। तो भगत सिंह निसंदेह कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हीं की परिपाटी पर एक समतामूलक समाजवादी तंत्र देश में चाहते थे। श्रमिकों व मजदूरों के हाथ में देश की सत्ता चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने जेल डायरी में लिखा था कि मैं अगर जिंदा रहा तो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। ये भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में लिखा था। और ये पंक्ति इस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा क्या मिशन था बाबा साहब का जो भगत सिंह भी देश को आगे बढ़ाने की बात करता है? उस मिशन को हम जानना नहीं चाहते, उस मिशन को इस देश के वास्तविक लोगों को, इस देश के कमेरों को कभी जानने नहीं दिया गया। देश जब टीवी के ऊपर रामायण और महाभारत देख रहा था, वो इस देश को गर्त में धकेलने का इतना बड़ा षड्यंत्र था जिसको हम अगले 50 साल तक भी अगर पढ़ेंगे जानेंगे तो हमारे समझ से बाहर रहेगा। जानना चाहिए था कि भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, ये जानना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं जाना। बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब तीन चीजें इस देश में चाहते थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अगर ये तीनों चीजें इस देश को मिल जाए तो इस देश से अच्छा और क्या होगा, इस देश से बढ़िया और कहां की संततियां होंगी, इस देश से बढ़कर तो और कौन देश होगा? विश्व गुरु के सिर्फ नारे लगाते हैं, ढकोसले हैं। अगर विश्व गुरु बढ़ाना है इस भारत को तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इनको वास्तविक रूप से इस देश में जीवित करना पड़ेगा। और ये तब जीवित होगा जब हम भगत सिंह को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, तो तभी जीवित होगा, अन्यथा नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह, इनके बारे में और कितना कहूं। भगत सिंह की उम्र बेशक छोटी है, लेकिन उसके विचार को जितना हम पढ़ते हैं उतना ही वो फैलता जाता है, उतना ही वो बड़ा होता जाता है। एक एक विचार पर एक एक घंटा बोला जा सकता है, एक एक पंक्ति पर पूरा का पूरा एक लेख लिखा जा सकता है। मैं तो बहुत छोटा सा एक सामान्य सा पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, फिर भी मैं जो कुछ कहा अब इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। बहुत जो हमारे प्राथमिक क्रांतिकारी तथागत गौतम बुद्ध, तो नमो बुद्धाय सभी को। कि मैं कोचिंग नहीं चलाती सर, सर हमारा कॉलेज है जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी की, और अभी होने वाला है मेरा अभी 5 तारीख के बाद, 5 अक्टूबर। तो साइंस का बैकग्राउंड हमारे भैया है, तो वो कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं और हमारा 10+2 का कॉलेज भी है। तो पलामू झारखंड से हूँ मैं, और मैं पहले साधुवाद देती हूँ अपने हमारे जो पूर्व वक्ता थे, बहुत ही सारगर्भित और अनछुए पहलुओं को छुआ और अच्छी बात बताए, और उनसे सीख लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यहाँ जितने भी हमारे बीच लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कुछ बेटियां भी हैं, कुछ बहनें भी हैं, और ढेर सारे भाई लोग हैं, दोस्त जो भी हैं सभी हैं, सभी को दिल से मैं इसमें जुड़ने के लिए और यहाँ मुझे बुलाने के लिए, अपने विचार हम तक पहुँचाने के लिए सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर इसी को विस्तार दिया जाए तो बहुत ज्यादा एक बुक के रूप में भी हो सकता है। 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे आज का टॉपिक है भगत सिंह पर, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार। भगत सिंह बहुत कम उम्र में हमारे बीच, मैं समझती हूँ कि वो जितने उम्र में शहीद हो गए, लगभग मेरी उम्र दुगनी हो चुकी है, मतलब उसी के आसपास पहुंच चुका है। तो
मुझे ऐसे मिलने मतलब ऐसा माहौल नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ बुक्स वगैरह कुछ मिला नहीं जिसकी वजह से, खैर जो भी हो मैं लेट से जुड़ी। 2014 के बाद मैं जुड़ी इस मूवमेंट से, इस क्रांति से, धीरे धीरे करके ऐसी कुछ लाइफ घटनाएं भी घटी जिसका वजह है कहीं ठोकर लगता है तो आदमी उसको जानने समझने की कोशिश करता है जो मेरे साथ पे हुआ है। तो मैं अपनी बात थोड़ा शुरुआत से करना चाहूंगी कि हमारे महापुरुष जो भी भारत में हुए हैं वो ज्ञात इतिहास में तथागत गौतम बुद्ध से लिखित रूप में मिलता है। जिस मूवमेंट को तथागत गौतम बुद्ध चलाए, जिसे सम्राट अशोका ने आगे बढ़ाया और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग थे, जितने भी राजे महाराजे थे, जितने भी बंते भिक्खु लोग थे, महाथेर थेरी लोग थे, वो सब इस मूवमेंट को चलाए। तो यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में ये तो स्पष्ट समझ में आता है कि हमारे देश में दो संस्कृतियां पैरेलल चल रही है और आज भी देखने को मिल रहा है, कल का भी ड्रामा देखे होंगे। दो संस्कृतियां हैं, एक श्रमण संस्कृति है और एक रमण संस्कृति है जो हमारे बीच स्पष्ट अब दिखने लगा है, पहले समझ में नहीं आता था। श्रमण संस्कृति है जो समानता का पोषक है, समानता का वाहक है, जिस पर आज हमारा संविधान चल रहा है। लोग ना मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ऐसे सत्ता में लोग हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारा संविधान भी कहता है कि जो हमारे महापुरुष अभियान जिस जो लेकर के आ रहे थे, चलते आ रहे थे, अब उस कड़ी में देखिएगा कि ढेर सारे हमारे महापुरुष रहे हैं, हालांकि वो इतिहास के साहित्य के पन्नों से गायब रहा है। तो वो दो संस्कृतियां चलती आ रही है, एक समानतावादी और एक असमानतावादी, जिसको कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी या गैर बराबरी की संस्कृति कहते हैं, जिसमें ऊंच नीच के का भेदभाव स्पष्ट उसमें दिखता है, लेकिन हमारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं। और इसके पीछे समझ ना समझने के पीछे रीजन है, जहां तक मैं अपने आप को जीवन जी हूँ उस आधार पर मैं बता रही हूँ कि मैं भी उस मनवादी व्यवस्था का एक अंग थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऊंच नीच में कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, ये मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन इस संविधानवादी कहिए, अम्बेडकरवादी कहिए, समानतावादी कहिए, या अभी आज जो भगत सिंह पर बात हो रही है, इनके क्रांतिकारी इनकलाबी, इनकलाब का मतलब है क्रांतिकारी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहे। तो इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद मुझे समझ में आया तो स्पष्ट है विचारधाराएं चल रही है। और एक पॉइंट तो हो गया कि दो संस्कृति है, दूसरा हो गया कि हमारे महापुरुषों के मिशन क्या थे। मिशन है वही है कि हमेशा हमारे पूर्वज तथागत बुद्ध से लेकर के आप सम्राट अशोक चले आइए, चाहे जितने भी बुद्धिस्ट हैं वहां चले आइए, उसके आगे आइए तो हमारे गुरु नानक देव हो गए, कबीर साहब हो गए, संत शिरोमणि रैदास महा कवि जिनको बोल सकते हैं, संतों के संत जो संत शिरोमणि कहा जाता है, हमारे वो पूर्वज रहे। उसके बाद आप चले आइए तो इधर आधुनिक इतिहास में फुले साहब हो गए, फुले दंपति हो गए, साहू जी महाराज हो गए, शिवाजी भी इस मोमेंट को लेकर के चले, उनके परपोते साहू जी महाराज हो गए, जिसको कि लिखित रूप में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मिशन को और धार दिया। और अगर मैं आप लोगों के बीच इस तरह का बोल पा रही हूँ इस तरह से, तो ये हिंदू कोड बिल की लड़ाई अगर उन्होंने ना लड़ी होती, ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई ना लड़ी होती, इसमें बना दी है जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए खिड़की दरवाजे ही नहीं, रोशनदान तक बंद कर दिया गया। ये सरदार पटेल उनको रोकने के लिए बात नहीं बोले हैं, उनको बोलने का तरीका देखिए कि ऐसा कांग्रेस ने कर रखा है कि जैसे खिड़की दरवाजे ही नहीं, रोशनदान तक बंद कर दिया गया डॉक्टर अंबेडकर के लिए। इस लाइन को समझने की जरूरत है।
खैर ये हो गई हमारे महापुरुषों का ये मिशन है समानतावादी, सबको हक अधिकार जियो और जीने दो का। फिर है कि हम अगर अनभिज्ञ रहे इस मिशन मूवमेंट से अनभिज्ञ रहे तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे सामाजिक जो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परंपरा में ये हमारे मतलब महापुरुष के किसी के भी जीवनी या टीवी पर हो या पत्र पत्रिका में हो या हिंदी साहित्य में हो या इतिहास में हो या स्कूल के किसी सिलेबस में हो, कहीं पर इन महापुरुषों को स्पष्ट रूप से कहीं नहीं पढ़ाया गया है। हम झारखंड के हैं तो 2019 में हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे टाउन में हमारे जो झारखंड के मसीहा कहे जाते हैं बिरसा मुंडा, इन पर हम लोग एक जयंती पर निकाले थे, लेकिन वहां पर हम यही बोले कि ये इनका जो मूवमेंट था, हम लोग साल भर हर बार आंदोलन करके और एक बैनर पोस्टर के साथ निकाल करके रैली और इतनी सही कर लेते हैं इनके बारे में, क्या इनका जो सपना था वो आज तक भी पूरा हुआ? क्या वो केवल अंग्रेज से लड़े थे या डबल वो लड़ाई लड़ रहे थे? तो हमारे झारखंड में जो बिरसा मुंडा है, यहाँ पर जो नीलांबर पीतांबर है, ये लोग अंग्रेजों के साथ साथ सामंतवादी व्यवस्था जो गैर बराबरी की है उससे भी ये लोग लड़ रहे थे। जिस तरह से हमारे भगत सिंह है, जिस तरह से हमारे बाबा साहब डबल लड़ाई लड़ रहे थे उस तरह से, तो न जानने का रीजन है कि कहीं पे हमको मिला नहीं, हमारे संस्कार में है नहीं, हमारे स्कूल कॉलेज में कहीं है नहीं, मतलब एक तरफा इतिहास साहित्य पढ़ाया गया है, तो न जानने का तो ये कि एक कारण है। और अभी जो हम लोग थोड़ी जागरूक हो रहे हैं उसमें देखिए कि अभी भी अस्पष्ट दुश्मन की पहचान नहीं है। अस्पष्ट दुश्मन की पहचान की हमारा विरोध, हमारे हक अधिकार का विरोध कौन कर रहा है? हमारे भाई जो अभी जोड़े हैं हमको देव प्रताप जी, वहां पर किन लोगों ने 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया वहां के जो मुख्यमंत्री किए, तो किन लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर के विरोध किया? हमको समझना पड़ेगा कि हमारा अस्पष्ट दुश्मन होना चाहिए, जैसे कि वर्तमान सरकार ने अपना अस्पष्ट दुश्मन मुस्लिमों को और क्रिश्चियनों को हमारे लोगों के जहन में डाल दिया है, तो इस तरह से वो चुनाव उल्टा पुल्टा करके कुछ ईवीएम से करके वो जीत जाती है। तो खैर ठीक है, उसका तो काम है जो सत्ता में रहते हैं। और मैं भगत सिंह की बात पर आकर के अपनी बात को खत्म कर सकती हूँ कि निरंतर पढ़ने की आदत डालना। आप देखिए कि 18 से लेकर के 23 साल उनकी ज्यादा मतलब बहुत उम्र बहुत छोटी थी। ठीक हमारे पूर्व प्रवक्ता भाई ने ठीक कहा कि उनकी उम्र हंसने बोलने खेलने बदमस्त होने की उम्र थी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि इस उम्र में शायद ही ऐसे बच्चे होते हैं कि खासकर जैसा कि ये डीएवी स्कूल में पढ़े थे लाहौर से, तो इनको देखिएगा कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी प्रभावित थे, यानी पश्चिमी देशों के क्रांति से बहुत जबरदस्त प्रभावित थे, और इन्होंने उतनी छोटी उम्र में 400 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ रखी थी। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, कितना लोग पढ़ते होंगे, उनका आर्टिकल भी छपता था, वो बुक भी लिखते थे, और जेल में मिलने आने वालों से एक रिक्वेस्ट भी कर रखा था कि जब भी हमसे कोई मिलने आए तो कृपया एक बुक या जितना संभव हो लेकर के आए। ये कोई छोटा मोटा डिमांड नहीं था। मैं भी बुक की बहुत भूखी हूँ, मैं जहाँ कहीं भी मैं इस मूवमेंट से थी या नहीं थी, आज हूँ तो अलग बात है, और ज्यादा मतलब भूख हो गई है बुक्स पढ़ने की, लेकिन मैं हमेशा से बुक जहाँ कहीं भी जाती थी मेरी नजर प्राथमिक बुक पर होती थी, और ये बुक ही एक माध्यम है जिससे कि मैं इस मूवमेंट से जुड़ी। तो भगत सिंह एक तो है कि नास्तिक थे, नास्तिक मतलब जो वेद पुराण भगवान ये सब में जो विश्वास नहीं करता है उसको हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार नास्तिक घोषित किया गया है, तो उसके अनुसार नास्तिक नास्तिक आस्तिक क्या होता है, असल में हम लोग वास्तविक हैं, मतलब वेद पुराण पढ़ाया ही नहीं गया, जब पढ़ना था तो पढ़ने देखने नहीं दिया गया, और आज भी पढ़ाया नहीं गया, उसमें कुछ ऐसा कुछ भी खास नहीं है, आप लोग को जानना है समझना है तो हरिमोहन झा का एक बुक है खट्टर काका, उसको पढ़िए, पूरा इन लोगों का बखेड़ा जो खेल रहा है ना सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। और हमारे पास जो तीन बुक हमारे पूर्व वक्ता जी बताए
मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या और सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज। एक और बुक है क्रांति का मसीहा, जो लेखक वो तो नहीं है लेकिन उनके बारे में रामेश्वर प्रसाद जी हैं, शिक्षक हैं, उनका एक बुक है कविता के रूप में है, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए लोगों को, अर्जक संघ से ये संबंधित है। तो इनके स्वागत करती हूँ, बहुत मतलब अच्छी बात है कि वो लोग जुड़े हैं। ज्यादातर प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो मेगा प्रोग्राम होता है उसमें सब लोग होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं तो ज्यादा यंग मतलब एकदम युवा वर्ग तो नहीं होते हैं, ये थोड़ी सी है कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और इसका कारण आप समझ लीजिए कि घर में परंपरा में नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन है। अपना अपना स्कूल कॉलेज भी खोलना और उसमें इस विचार को देना पड़ेगा। तो मैं संभाजी महाराज हिंदू वीरों को इतिहास पुरुष बना चुकी राजमाता राजमाता जिजाऊ को नमन करता हूँ। हमारे मानवता साथियों, आज का जो रखा गया है वीर भगत सिंह का इतिहास, उनके संघर्ष और अनसुलझे फिल्म, इसमें हम थोड़ा सा शब्दों के ऊपर जाए तो मैं संघर्ष और उनके जो अनसुने पहलू है उसके ऊपर एक बताना चाहता हूँ कि पहले हम अपने इतिहास को थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे तो हमें वीर भगत सिंह के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। भारत में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम जैसे ही धर्म का यदि नाम लेते हैं तो मनुष्य पहले आ जाती है और उसका आना स्वाभाविक भी है। हमारे कई महापुरुष हुए जो समतावादी महापुरुष हुए हैं, मानवतावादी के बाद भी हुए, संत भी हुए हैं, महापुरुष भी हुए हैं, तो संत होकर के गए हैं, विचारवंत लोग होकर के गए हैं, पराक्रमी लोग होकर के गए हैं, उन्होंने भी इस वर्णवादी जाति वादी व्यवस्था का विरोध किया, जोरदार प्रहार भी किया। विचार कितने महान हो जब तक समर्थता के साथ हमें स्वीकार करने वाले अनुयायी नहीं मिलते तब तक विचार पाठ पराजित होते रहते। हमको हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत अच्छी बातें कही गई है, इतिहास हमारा किस तरह का इतिहास है, श्रमण इतिहास पूर्व वक्ता के उन्होंने बताया कि श्रमण संस्कृति का और ब्राह्मण संस्कृति, तो ब्राह्मण यानी विकृत जो इतिहास है या विकृत जो विचार है वो एक कमजोर है, वो कमजोर होने के बाद भी अमल करने वाले लोग है वो बहुसंख्यक लोग है, हमें ज्यादा लोग है, इसलिए उनका दब कायम रहता है और अपना दबदबा कायम करने में भी सफल हो जाते हैं। उनका जन्म जो हुआ वो 28 सितंबर 1907 और मृत्यु उनकी 23 मार्च 1931, अर्थात केवल सिर्फ 23। अब इस इतिहास में शहीद अमर भगत सिंह की उम्र को लेकर लेते हैं और उसी के पीछे यदि जाकर के हम संभाजी महाराज को लेते हैं जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं, इन दोनों में यदि हम देखते हैं तो इनको दोनों को बहुत कम उम्र मिली। संभाजी महाराज को केवल मात्र 32 वर्ष की उम्र थी। अब इनसे हमको क्या प्रेरणा लेना है इसके बारे में थोड़ा सा ये कहता हूँ कि तीन चीजें आप लीजिए। सबसे पहला बात तो आप अपना वीर भगत सिंह सीजिए, उनसे अपने को लेना है कि एक नास्तिक, दूसरा लेखक और संगठन, ये तीन चीजें आप लीजिए। आप अपने युवाओं को ये प्रेरक है, ये इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि तीन चीजें आप इनसे सीखना है। नास्तिक, अब नास्तिक क्या है, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आंदोलन चलाना, ये नास्तिकता। और दूसरा इनका उत्कृष्ट संगठन, हम ये देखते हैं तीन चीजें हमारे सामने रखी है, इन तीन चीजों का हमें वो करना चाहिए।
और तीसरा एक लेखन, लिखने की कला, लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना। उसमें से एक लाइन मुझे याद आ रही कि उन्होंने लिखा है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन पे से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, हम अपने खून से लिखे कहानी ए वतन मेरे, करे कुर्बान हंसकर ए जवानी ए वतन मेरे। यानी कि आज की तारीख में जो युवा है वो युवा अपने नेताओं के पीछे जब जाते हैं तो नारा लगाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भगत सिंह जी ने आजाद नारा दिया है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये उनका क्रांतिकारी नारा है। अब थोड़ा सा मैं इसके पीछे यदि संभाजी महाराज की तरफ जाता हूँ तो संभाजी महाराज को केवल 32 वर्ष की आयु, क्योंकि इतिहास ये विषय में रखा गया है महापुरुषों के इतिहास में, तो मैं थोड़ा सा संभाजी महाराज के बारे में जाता हूँ कि संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं वो 14 वर्ष की उम्र में उन्हें 14 भाषाएं आती थी, लिखना और बोलना। उसमें बुद्धभूषण नाम का उनका ग्रंथ एक लिखा हुआ है जो संस्कृत में है, वो 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखा और 32 वर्ष की उनको आयु हुई। इस 32 वर्ष की आयु में उन्होंने 350 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक भी लड़ाई हारी नहीं है, और कलम के आधार पर उन्होंने 4 ग्रंथों की रचना भी की है। जिस तरह से भगत सिंह जी ने अपने 16 जनवरी को नास्तिक मैं नास्तिक क्यों हूँ एक किताब लिखी है, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और अभी पूर्व अवतार ने बताया था कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उस समय में इन्होंने भी किताबें लिखी थी और 4 ग्रंथ इन्होंने भी लिखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आज की तारीख में युवाओं को क्या करना चाहिए, युवाओं को हमें अपने महापुरुषों से इन दो यदि सबसे कम उम्र के इतिहास में दर्ज जिनका विश्व में नाम है वो है भगत सिंह जी और संभाजी महाराज। अब संभाजी महाराज के आप 4 ग्रंथ पढ़िएगा, देखिएगा, बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ है, एक ग्रंथ उन्होंने नक्शिक लिखा है, एक सात सत्ता लिखा है, एक चारुवाक लिखा है, इस तरह से ऐसे 4 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं वो भी सबसे कम उम्र में। एक मुझे श्लोक याद आ रहा है संभाजी महाराज का, उन्होंने अपने बुद्धभूषण ग्रंथ में अंतिम उसमें लिखा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपाइति लक्ष्मण यतने कृति न सिद्धति पुत्र दोष। यानी कि जो दैववादी होते हैं वो नामर्द होते हैं। लिखा उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपाइति लक्ष्मण, जो दैववादी होते हैं वो नामर्द होते हैं और जो प्रयत्नवादी होते हैं वही मर्द होते हैं। लेकिन यदि प्रयत्न करने के बाद भी यदि उसको सफलता नहीं मिलती है तो प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं है, ये हमें 400 साल पहले उन्होंने लिख करके क्या बताया गया है। यानी इतनी कम उम्र में जो विज्ञानवाद तर्कवाद की हम बात करते हैं वो उनके पास में थी और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। आज के युवाओं के लिए हमें प्रेरणा स्रोत यही मिलते हैं कि जैसे कोई नेता के पीछे जा रहा है तो वही यही नारे लगाते, गले में पट्टा डाल लेते हैं और उसके बाद में हाथ में कलेबा बांधते हैं, तो ये हमें दिख जाता है ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। इसका कारण यही है कि हमारे लोगों ने हमारे महापुरुषों के बारे में उनके विचारों को अभी तक आत्मसात नहीं किया। हमारे लोगों को चाहिए कि हमारे जो महापुरुष है उनकी जयंती तिथि हम मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर एक बार किसी एक विचार पर भी हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि आप उनके सारे विचारों को अमल करिए, लेकिन एक भी किसी भी महापुरुष के एक विचार पर हम चलने का प्रयास करना चाहिए। हम तथागत गौतम बुद्धा की बात करते हैं तो तथागत गौतम बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। उन सारी चीजों में से क्या हम उनकी किसी भी एक मार्ग का पालन करते हैं? उन्होंने कहा है कि आप नशा नहीं करना चाहिए। क्या हमारे लोग मानते हैं तथागत गौतम बुद्धा को? मानते हैं, लेकिन नशा पहले करेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। तो साथियों, ये जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति चल रही है, हमारी जो संस्कृति थी श्रमण संस्कृति, मानवतावादी संस्कृति, इस संस्कृति के ऊपर प्रहार किया गया है ब्राह्मणवादी संस्कृति। उस संस्कृति को हमें हटाना है। अब हटाने के लिए हमें यही करना होगा कि हमारे जो महापुरुष है उन महापुरुषों के विचारों पर हम एक एक कदम भी चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन संख्या में वही हमने कहा कि विचार यदि कमजोर है तो वो, और मानने वाले लोग यदि ज्यादा है
तो हमारा हार होती है, लेकिन यदि विचार हमारे दृढ़ है, संकल्पित है, और वो अनुयायी यदि हमारे ज्यादा हो जाए, संख्या में यदि ज्यादा हो जाए, तो निश्चित रूप से हम अपने महापुरुषों के ने कार्य किया है, जो क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उन सब के, उन क्रांतिकारी कार्यों के लिए सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके एक भी पद चिन्ह पर चलने का हम प्रयास करेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो साथियों, वीर भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीजें और हैं जिनको हमें वो करना चाहिए, लेकिन एक कम समय में केवल सिर्फ इतना ही है कि उनसे तीन चीजें आप सीख लिए। लेखन, आप लेखन की कला, यानी कि लिखने की कला हमारी होना चाहिए। हम शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं, आज की तारीख हम विद्यार्थी, हम ये देखते हैं कि जो उम्र होती है कॉलेज में जाने की, उस कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज ही नहीं पहुंचते हैं, लाइब्रेरी में तक नहीं पहुंच पाते हैं। केवल और केवल सिर्फ उनका एक उनको होता है कि किस तरह से, मतलब यानी कि विजन होता है उनका, वो विजन बहुत ही मतलब इस तरह का होता है कि क्या कहना चाहिए उसको, एक शब्द में कलुषित जिसको कहा जाए, एक विचार नहीं है उसमें, इस तरह का उनका विजन होता है। साथियों, अभी हमारे और अभी वक्ता है और ये अनुच्छेद 37 भारत के जो नागरिक हैं उनका मूल अधिकार है। जैसे अभी चर्चा में तो ये आता है कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है ना। भारत से, भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकार है, परंतु मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में नहीं है, मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के 51 के बीच में। जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस वक्त कुछ ऐसी बातें उठी थी कि जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है उसे मूल अधिकार में न डाल करके राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत में उसको डाला जाए, और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो उसको भी मूल अधिकार में मान लिया जाएगा। ऐसा तो अनुच्छेद 37 है क्या, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आपने इसको चर्चा का विषय बनाया, ये बेहद खुशी की बात है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जैसे नागरिकों का कर्तव्य है ना, अनुच्छेद 51A भारत के नागरिकों का कर्तव्य, उसी तरह से जो जनप्रतिनिधि है जिसको हम MLA MP कहते हैं, जो बाद में मिनिस्टर भी बनते हैं ना, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, ये लोग, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने भी संवैधानिक पद पे आसीन लोग हैं, उन सभी लोगों का ये कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 37 यही कह रहा है कि ये मौलिक अधिकार है उनका, मतलब मौलिक कर्तव्य है कि उनको भाग 4 है उसको अक्षर से है लागू करना है। मतलब राज्य शासन की जो नीतियां बनाई जाएंगी वो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, जो भाग 4 है उसके आधार पे ही सारी नीतियां बनाई जाएंगी। वो संविधान का आदेश है, किसके लिए आदेश है, भारत की संसद के लिए आदेश है, राज्यों की विधानसभाओं के लिए आदेश है ना। उसको लोग मात्र इतना कह के छोड़ देते हैं कि ये जो भाग 4 है ये किसी भी न्यायालय द्वारा ये फोर्सेबल नहीं है, है ना। फंडामेंटल जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो न्यायालय द्वारा फोर्सेबल है, मतलब न्यायालय दबाव डालेगा ही डालेगा,
अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नागरिकों के मूल अधिकारों का, और राज्य के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है या जनता के द्वारा हो रहा है, तो ये जो जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी ड्यूटी है कि उस उल्लंघन को रोके। और राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत में यह है कि वो जो राज्य है उसको ड्यूटी दी गई है कि उसे ये करनी ही करनी है। और एक शब्द आता है इंग्लिश में सेल इंडिवर, सेल इंडिवर का मतलब है कि उसको तब तक करना है, कंटिन्यूस करना है, निरंतर करना है, जब तक कि उसे हासिल नहीं कर लेना है ना। तो उसमें सारे के सारे अनुच्छेद है, मजदूरों के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43 है, लोगों के काम मिले अनुच्छेद 41 है, राइट टू वर्क की बात करता है, लोगों को लिविंग वेजेस की बात करता है आर्टिकल 43 की। लिविंग वेजेस कहने का मतलब जिसमें मैं सम्मान पूर्वक जी सकूं, उसमें क्लियर लिखा है, डिसेंट लाइफ लिखा है। भाई मजदूरों को क्या मिलता है? अभी तो मिनिमम वेजेस मिलता है जो भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है, और मिनिमम वेजेस देते हैं जबकि देना थे लिविंग वेजेस। महिलाओं के लिए है अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 45 है, जब वो कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन राज्य की पूरी जिम्मेदारी है। राज्य का मतलब है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12, कहने का मतलब एक गांव की भाषा में कहूं तो मैं भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें, उनकी ड्यूटी है। और गरीबी मिटाने का ढिंढोरा 71 साल से पीटा जा रहा है, अनुच्छेद 38 में क्लियर कट लिखा है उसके भाग दो में कि ये जो गरीब अमीर के बीच में जो खाई है, ये जो अंतर है, इसको मिटाना ही सरकार का काम है ना। किसानों के लिए है अनुच्छेद 48 है, तो कहने का मतलब है हर वर्ग के लिए कोई न कोई अनुच्छेद बनाया गया है भारत के संविधान में, और वो सारा का सारा अनुच्छेद भाग 4 में है, जिसका दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। तो उनका ड्यूटी है, भारत का संविधान भी भारत में है, संवैधानिक संस्थाएं भी भारत में है, संवैधानिक संस्थाओं में हर 5 वर्ष में हम लोगों को चुनके भी भेजते हैं, परंतु संविधान का पालन नहीं हो रहा। अगर संविधान का पालन हो रहा होता तो देश में ना गरीबी होती, ना भुखमरी होती, ना लाचारी होती, ना बेगारी होती, ना कुपोषण होता, ना अपराध होता, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि हम भारत के लोगों ने अज्ञानतावश संवैधानिक संस्थाओं में असंवैधानिक चरित्र को लोगों को चुनके भेज दिया है। क्यों भेज दिया है? कि हम भारत के लोगों को मालूम नहीं है कि संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि उनके क्या कर्तव्य निर्धारित किए हैं भारत के संविधान ने। जब दोनों को ही नहीं मालूम है तो फिर तो वही होगा जो हो रहा है अभी, है ना। और जहां पर आपने एक बहुत बढ़िया ये मंच बनाया है कि ओबीसी अधिकार मंच, भारत के संविधान ने किसको कहा है पिछड़ा वर्ग? भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 है, इसको भाग 4 कह सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भारत के संविधान ने बैकवर्ड कहा है, पिछड़ा वर्ग कहा है, और उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन है अनुच्छेद 15(4) का कि उनको शिक्षण संस्थानों में उनके स्टूडेंट्स को उनकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उनको वहां पर भागीदारी मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना ही मिलना चाहिए। पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पिछड़े वर्ग के लोग चुनके भी जा रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, अभी तो रिसेंटली बहुत सारे मंत्री बना दिए,
मगर पूछा जाए किसी मंत्री ने ये बात कहा कि 15/4 को अक्षर से लागू करो नहीं तो हम रिजाइन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन किया था मंत्रिमंडल से, कोई नहीं करता है रिजाइन। अनुच्छेद 16/4 में क्लियर कट लिखा है, चपरासी से लेकर के देश का जो जो प्रधान सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, जो आईएएस होता है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो अनुच्छेद 16/4 के अंदर आते हैं कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी, उतनी उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो न्यायालय में जज नहीं दिखते हैं, सचिवालय में सचिव नहीं दिखते हैं पिछड़े वर्ग के, मगर पिछड़े वर्ग के एमएलए भी बनते हैं, एमएलएमपी भी बनते हैं और मंत्री भी बनते हैं। और मिस्टर मोदी तो सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं। तो पिछड़े वर्ग के हैं, और रामनाथ कोविंद भी जो है बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मतलब एससी एसटी और ओबीसी तीनों मिलाकर के तीनों को भारत का संविधान बैकवर्ड कहता है। और उनके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सचिवालय है उसमें सचिव नहीं है, मिस्टर मोदी का जो सचिवालय है प्राइम मिनिस्टर का उसमें सचिव नहीं है बैकवर्ड क्लासेस के। तो फिर जज तक 85% को मैं भरूंगा अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो अनुच्छेद 16/4 15/4 का उसको कहना चाहिए, अगर कोई नहीं कहता। जो गवर्नर की जो शपथ है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ है, इनकी शपथ तो और ही तगड़ी है, क्योंकि प्रदेश की सरकारें जो है राज्यपाल के नाम से चलती हैं, देश की सरकार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से चलती है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं चलती है, चीफ मिनिस्टर के नाम से नहीं चलती है, जो प्रचारित है जो हमारी समझ में आया ना, वो सरकारें इनके नाम से चलती है, इनके द्वारा चलती है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। और जो एक और है अनुसूची 3, उसमें भी कभी आप लोगों को मौका मिले तो उसको भी समझिएगा देखिएगा। अनुसूची 3 में एमएलएमसी की शपथ है, जजेस की शपथ है ना, मंत्रियों की शपथ है, उसमें सब कुछ है, हर एक के लिए ही लिखा है संविधान का पालन करूंगा। इंडिया से लेकर के गवर्नर तक सारे मिनिस्टर सारे जजेस कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि संविधान का पालन कर रहा है, क्योंकि हम इस दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, प्रेसिडेंट पे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है, संविधान के अगेंस्ट है, मगर मैं ये कह रहा हूं हमारा आरोप और पूरी आयोजक मंडल और टीम को मैं उद्बोधन शुरू करने के पहले दया और ज्ञान के सागर, करुणा के भंडार, पूरे देश को मानवतावादी विचारों का मानव धम्म देने वाले विश्व गुरु तथागत बुद्ध और अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान देकर इस देश के हर नागरिक को समता, सामाजिक न्याय और अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रमाता शिक्षा की साकार देवी सावित्रीबाई फूले जी, इस देश के सभी क्रांतिकारियों को जिनके नाम पर मेरा सरनाम है आजाद, मेरे वैचारिक गुरु चंद्रशेखर आजाद जी और मेरे आदर्श सरदार भगत सिंह, महात्मा फूले जी, पेरियार ललई यादव जी सहित सभी महापुरुषों को मैं कोटिशः नमन और वंदन करता हूं। हमारे तथागत बुद्ध जी ने हमारे देश को एक संस्कृति दी थी, एक सभ्यता दी थी, जीवन जीने का की कला जिसको धर्म कहा जाता है, पाली भाषा में होता है धम्म, धम्म का मतलब होता है जीवन जीने की कला। तो ऐसे महापुरुषों ने जो विचार दिए उनको नमन करते हुए आज की चर्चा के केंद्र बिंदु सरदार भगत सिंह जी को कोटिशः नमन करता हूं। इस चर्चा में जुड़े हुए हमको मार्गदर्शन देने वाले
हमारे साथ काफी समय से जुड़े बॉस सुरेश चंद्रा सर, विनोद सर, निर्मल कनाथे सर, देव प्रताप सर सहित सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह, यह खिताब और रुतबा किसी को नहीं मिला, न किसी को मिल सकता है। ये ऐसा इतिहास का, हमारे देश का ऐसा क्रांतिकारी महापुरुष है, हम सब का प्रेरणा स्रोत, हम सब के आदर्श सरदार भगत सिंह जी, कि वास्तव में इस राष्ट्र का पिता बनने का हकदार सरदार भगत सिंह को जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे महान व्यक्तित्व को, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व पर ही चर्चा हो करके मुझे जो टॉपिक मिला है उस पर मुझे बोलना है। तो सरदार भगत सिंह के जन्म और उनके बलिदान दिवस पर सभी साथियों ने चर्चा की, मैं अब आता हूं मुख्य बिंदु पर कि आस्तिक और नास्तिक, जैसे सरदार भगत सिंह के बारे में लेखकों ने अपने अपने विचार से विचार लिखे, कलम कसाईयों ने, मैं कलम कसाईयों की बात करता हूं, ऐसे समतावादी समतामूलक समाज के लेखकों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने सरदार भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी उसको नमन किया। लेकिन जिन कलम कसाई लेखकों ने सरदार भगत सिंह जी के बारे में अंट संत लिखा, मतलब गलत लिखा, गलत लिखने का मतलब ये होता है कि सरदार भगत सिंह जी को वामपंथी का नाम दिया, जैसे आरएसएस और मनवादी ताकतें और हमारे जीवी समाज, मतलब मूल निवासी समाज के भी जो कुछ मानसिक गुलाम गोबर पूजने वाले मूर्ख, मैं उन सबको भी उसी दायरे में मानता हूं। उन्होंने लिखा कि अरे सरदार भगत सिंह बोलते भी हैं, कहते हैं सरदार भगत सिंह तो वामपंथी थे, इन पापियों को वामपंथ का मतलब ही नहीं पता है। सरदार भगत सिंह ने वामपंथी थे, उनकी वामपंथी विचारधारा थी। वामपंथ का मतलब होता है जो समग्र, मतलब सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता हो, हर धर्म की अच्छी बात का अनुसरण करता हो, हर धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां, पाखंड, ढोंग, आडंबर और मिथ्या गलत इतिहास है उसका पुरजोर विरोध करता हो, वो वामपंथी होता है, वो नास्तिक होता है। लेकिन इन लोगों ने हमारे समाज को आस्तिक और नास्तिकता की परिभाषा भी बली गलत बता दी। ऐसा लिखा है कि जो गोबर पूजेगा और जो काल्पनिक कार्टूनों को मानेगा, जो इन कलम किसाई पाखंडी पापियों के द्वारा लिखा गया गपोर साहित्य है उसको ही मानेगा, वो आस्तिक है। मतलब जो अपने आप को लुटवाए, इन पाखंडियों को पुजवाए, झूठे अपने पुरखों का श्राद्ध करवाए, कौआ को दाना खिलाकर, ठीक, उनको ये आस्तिक मानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे मानवतावादी विचारों पर, तथागत बुद्ध के विचारों पर, बाबा साहब के विचारों पर, फूले जी के विचारों पर, पेरियार ललई यादव जी, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, साहू जी महाराज और पेरियार रामास्वामी नायकर साहब, ऐसे महापुरुषों के विचारों को जो मान करके तर्क करे, मानवतावादी विचारों को माने, ऐसे व्यक्ति को ये पापी, पाखंडी और हमारे समाज के ही गोबर पूजने वाले मूल निवासी ये बोलते हैं फलाना तो बड़ा नास्तिक हो गया। जैसे मेरे ही समाज के हमारे कई परिचित भी, इष्ट मित्र भी कहते हैं आजाद आजाद भाई तुम तो यार महा नास्तिक हो गया। तो मैं उन पापियों से कहता हूँ कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब समझो। यदि गोबर हो, तुम गोबर को पूज रहे हो तो तुम आस्तिक हो गए, और मैं गोबर को जानता हूँ, ये गोबर है, इसका लीपने में काम आएगा, ये गंदगी है, इसको बाहर ही रखो, अगर जो मैं उसका बहिष्कार करता हूँ, गोबर नहीं पूजता हूँ, तो मैं नास्तिक हूँ भाई, कैसे हूँ। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, और सरदार भगत सिंह जैसे महापुरुष के जो क्रांतिकारी विचार थे, उन्होंने जो समाज को दिया उसी टॉपिक पर मुझे, चूंकि आदरणीय संचालक मंडल ने बोलने को दिया, तो आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ये पहले उद्बोधन में मैं सभी से अनुरोध पूर्वक बोला हूँ कि ये मेरे विचार हैं,
जो मैंने अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ा है और जाना है, और मेरी आदत समझ लीजिए या मेरा सिद्धांत और व्यवहारिकता समझ लीजिए या मेरा प्रण समझ लीजिए, मैं किसी भी उद्बोधन करने के बाद मैं माफी नहीं मांगता हूँ कि हाँ यदि मेरे विचार गलत लगे हो, किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो, किसी को विश्वास को ठेस पहुंचा हो, तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे माफी काहे मांगू मैं? अरे माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जो गोबर पूजते हैं, अपने समाज को बरगला कर गोबर पूजवाते हैं, वो लोग माफी मांगे ना। मैं काहे माफी मांगू अगर जो मैं सच बोल रहा हूँ? यदि जिसको बुरा लगे वो अपने घर में खुश रहे, हमको रिश्तेदारी तो करनी नहीं है। अगर बाबा साहब भी यही सोचते तो महाड के, महाराष्ट्र के महाड में वो जो चावदार तालाब था जहाँ पर कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी को पानी पीने की आजादी थी, लेकिन पाखंडी पापी और संविधान लागू होने के पूर्व जो जहरीली मनवादी पाखंडियों की व्यवस्था थी, उसमें इंसानों को, हमारे मूल निवासी समाज को, जिसको जीवी समाज बोलते हैं, जिसको बहुजन बोलते हैं, जिसको महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक समाज का नाम दिया, उस समाज की महिलाओं को, बहन बेटियों को, सबको, किसी को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अभी नवरात्रि शुरू होगी, आप सब लोग घंटा बजाओगे 9 दिन, ठीक, 9 दिन व्रत रहने का ढोंग करोगे और दिन भर सेब संतरा अंगूर ठांसोगे पेट में, फिर कहोगे मैं व्रत रह रहा हूँ, काहे का घंटा व्रत यार, व्रत रहना है 9 दिन, भूखे प्यासे रहो, देखता हूँ यानी कि भूखो न मर जाओ, पता चल जाएगा यार कैसा व्रत। जिसके पास पैसा है, खूब पैसा भरा पड़ा है, कहेगा मैं 9 दिन व्रत रहता हूँ, अरे सेब संतरा अंगूर क्या ला ठांस रहे हो सुबह शाम तक, साबूदाना बना के खा रहे हो, कैसे व्रत रह रहे हो यार है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, आस्था पर मैं चोट नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, चयन ठीक रखे, बाकी कोई बात नहीं, आप जो भी चार आपके माने जी जी, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ, और चूंकि मेरी शैली कड़वी है, किसी को व्यक्तिगत बोलता नहीं हूँ और लाख रिपोर्ट में नहीं करता नहीं, आलोक जी आपकी शैली से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस चलना है चलिए, हम लोग किसी को संबोधन के बाद आपसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप विचार रखे वो भाषा की मर्यादा में रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं मैं धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मान्यवर बाद में संबोधन मतलब आप चर्चा करिएगा, ये अनुरोध है मेरा, सुनिए पहले। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे समाज के लोगों को हो सकता है कोई बात पल्ले पड़ जाए, क्योंकि मैंने महापुरुषों के जो विचारों को पढ़ा है, सुना है कि यदि किसी गुलाम को, मानसिक गुलाम को जंजीरों में बांध करके किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां पर एसी भी लगवा दी जाए, टीवी भी लगवा दी जाए, और मटर पनीर का सुबह शाम खाना और सुबह नाश्ता दिया जाए, ये तोड़ दो, वो तो कहेगा मेरे मुंह पर भी ताला डाल दो, बहुत बढ़िया मुझे फ्री का मिल रहा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, वर्तमान में जरूरत है, मान्यवर आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए हमारे ओबीसी समाज का, हमारे एससी समाज का, या जैसा बॉस सुरेश चंद्रा सर कहते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा है, जिसमें ओबीसी समाज, एससी एसटी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिसको हम सब लोग मूल निवासी, बहुजन, जीवी समाज या अर्जक समाज बोलते हैं, ये समाज वो सभी वर्ण व्यवस्था में शूद्र में आता है। और वर्तमान में आप देखिए ओबीसी समाज के हमारे पढ़े लिखे युवा, एससी समाज के पढ़े लिखे युवा, मैं वही शब्द फिर प्रयोग करने जा रहा हूँ, जिसको बुरा लगे तो भैया माफ करिएगा, हमारे समाज के युवा जो सब अपना कर्म करते हैं, उनको गोबर पुजवा दिया इस व्यवस्था में कि नहीं, मैं आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आप सबसे ये प्रश्न डालना चाहता हूँ कि ये बताइए कि यदि कोई भगवान या देवी देवता या कोई शक्ति यदि होती, अगर अवतार लेकर जो ये भेदभाव कर रही है, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं, योग्य युवाओं की प्रतिभा का हनन कर रही है, उनको मरने के लिए छोड़ रही है भेदभाव की जहरीली मनुवादी व्यवस्था डालकर, तो जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, तो कोई भगवान या देवी देवता भाला त्रिशूल लेकर अवतार ले ले, मैं भी कल से पूछने लगूंगा, मैं मानने लगूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
और मैं सवाल बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि यदि हमारे आपके बच्चे बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जरा चिंतन करिएगा। मैं किसी की आस्था पर पुनः कर रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताइए यदि आप पूजा में भी बैठे होते, देवी देवताओं के सामने बैठे होते हो, यदि आपके बच्चे का, यदि हमारी आपके परिवार के किसी सदस्य का, किसी के बाप का, माता का, बाबा का, चाचा का या पत्नी का पेट दर्द होने लगे भयंकर, तो पूजा छोड़ देते हैं आप, सीधे कहते हैं गाड़ी में बैठा लो या 102 नंबर फोन करिए, डॉक्टर को वहां या अस्पताल ले जाइए। अरे भाई आपकी आस्था है तो उसी भगवान सामने लेटा दो और कहे दो भगवान जी तन्न दे, खड़ा कर दो, अगरबत्ती आप लगाइए, उसी तरीके से घंटा बजाते जाइए, भगवान का आवाहन करिए। क्यों आप जाते हैं मंदिर, क्यों आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्यों आप जाते हैं अस्पताल लेकर के? इसका मतलब फिर मैं सही हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ और आप लोग वास्तव में पाखंडी हो, क्योंकि आपको खुद अपनी आस्था, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, देवी देवताओं पर, क्योंकि आप जानते हो कि इनके आगे अगर जो मैंने अपने मरीज को लिटा दिया तो स्वर्ग सुधार जाएगा, आपकी भाषा में स्वर्ग, और यदि अस्पताल लेकर जाएंगे डॉक्टर वहां तो बचेगा। तो फैसला आप करिए कि पाखंड कौन फैला रहा, कौन नास्तिक है और कौन नास्तिक। ऐसे विचारों के पुरोधा पुरोधा थे सरदार भगत सिंह जी, तो उनको नमन करना चाहिए, हम सबको उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए, और अपने समाज के सभी जो भी आज की चर्चा में जुड़े हुए हैं आप सबसे अनुरोध पूर्वक करना चाहता हूँ। बड़ा तार्किक बिंदु है, मैं जानता हूँ हो सकता है कुछ लोगों को अभी जो बोलने जा रहा हूँ ये अभी बुरा लगेगा, और मैं इसीलिए बोलने जा रहा हूँ कि आपको बुरा लगे तब आप अपने में परिवर्तन लाएंगे अन्यथा नहीं लाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। हमारे समाज के ही कुछ लोग जो जय सरदार बोल देंगे लेकिन जय भीम नहीं बोलेंगे, वो लोग भी सुन लीजिए। जो लोग जय भीम बोलते हैं लेकिन जय सरदार कह दो तो सीधे दरवाजा, सिंडी, गुटखनी, मनवादी, पाखंडी और जहरीली फैक्ट्री, आईटी सेल और कुछ हमारे समाज के ही कुल द्रोहियों का भ्रमित कपोर कल्पित ज्ञान, जो अभी हमारी आदरणीय सुनीता बहन ने तथ्य के साथ बताया, मैं कई भी चर्चा में प्रमाण के साथ मैंने बताया है, जैसा सुनीता बहन ने तथ्य के साथ बताया था कि सरदार पटेल और बाबा साहब के बारे में इन लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि हमारे समाज के कट्टर जो मानसिक गुलाम है, जो वास्तव में नहीं चाहते हैं कि हमारा पूरा मूल निवासी जीवी समाज, बहुजन समाज एकजुट हो। मेरी तो बहस हो जाती किसी किसी ग्रुप में, मैं उन लोगों को कुलद्रोही ग्रुप में लिख देता हूँ, भाई मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं गर्व से जय भीम के साथ में जय सरदार बोलता हूँ। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस चर्चा में जुड़े लोग जुड़े हैं, मैं आपको जिसको प्रमाण चाहिए होगा फोटो मैं भेजूंगा, मेरे घर के आंगन में बराबर पर सरदार पटेल और बाबा साहब लगे हैं। मैं केवल अभिवादन, किसी से अभिवादन करूं, अपने से बड़े का करूं, अपने से बुजुर्ग का करूं या किसी कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति अगर जो मुझसे वो अभिवादन करता है फलाना वाला, तो मैं उसको यही बोलता नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार। मैं जानता हूं वो रिप्लाई नहीं देगा, जब वो मेरे महापुरुषों के अभिवादन को रिप्लाई नहीं देगा, मैं उसके जो काल्पनिक का वो अभिवादन करता मैं नहीं बोलता हूँ। बस जिसको बुरा लगे वो अपने घर में खुश रहे, और जिन लोगों ने ये भ्रम फैलाया है आप लोग चिंतन करिएगा, और जिन लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में कॉमन हूँ, कृपया आपसे अनुरोध है मेरा कि खाली जय भीम मत लिखिएगा मुझे किसी टिप्पणी में टैग करके, वरना ये मेरी जिद है, तब अगर जो आप लिखोगे तो मैं केवल जय सरदार लिखूंगा, जय भीम नहीं लिखूंगा, ये पक्का आप समझिए। आज अगर जो अपने समाज को जोड़ना है तो अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल और संविधान के निर्माता बाबा साहब को साथ में लेकर चलना होगा, और आप सबको मन, वचन और कर्म से मूल्यवासी होना होगा, जैसा कि सुरेश चंद्र बोस ने कहा है, संविधानवादी, सामाजिक न्याय और समतावादी, समता मूलक समाज का सच्चा शुभ चिंतक तभी होगा जब ओबीसी और एससी समाज में एकता आएगी, जब हम आप लोग समझेंगे कि बाबा साहब यदि हमारा दिल है तो सरदार पटेल हमारे दिल की धड़कन है, तभी समाज को हम आप एकजुट कर पाएंगे, अन्यथा रोज इसी तरीके चर्चाएं तो होती हैं, विभिन्न तमाम सामाजिक संगठन और लोग ऐसी चर्चा आयोजित करते हैं, खूब बोलो जय सरदार, जय भीम,
और नमो बुद्धाय अलग अलग मतलब, और इसी तरीके से महापुरुषों के नाम पर आप भेदभाव करते रहिएगा, समाज को जोड़ लेंगे आप। अरे 10 व्यक्तियों को नहीं जोड़ पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि हम सभी लोग कॉमन हो तो भले ही यानी कि इस चीज को मार्क न करें या न लिखें, लेकिन वास्तव में दिल और दिमाग में गांठ की खाई पड़ जाती है कि ये व्यक्ति जय भीम बोल रहा लेकिन जय सरदार नहीं बोल रहा, लेकिन ये व्यक्ति जय सरदार बोल रहा लेकिन जय भीम बाबा साहब को नहीं बोल रहा, तो कैसे एकजुटता आएगी बताइए आप। मैं आप लोगों से अनुरोध पूर्वक प्रश्न में डालना चाहता हूँ, और आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या हमारे समाज में प्रचलित है, जैसे 5 सितंबर को अभी सबने मनाया शिक्षक दिवस, और किसको नमन किया, मैं बोल नहीं रहा हूँ न कोई आरोप लगा रहा हूँ, जो तथ्य और प्रमाण मिला मैं उस पर बात कर रहा हूँ। यदुनाथ सिन्हा जी जो शिष्य थे और उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भाई मतलब ये प्रोफेसर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम जान गए होंगे, इनको सब लोग नमन करते हैं। इन अपने शिष्य की जो थीसिस चोरी कर ले उसको प्रकाशन करवा के नाम कमाए, क्या मैं उस व्यक्ति के नाम पर मैं शिक्षक जैसे पद की दिवस की शुभकामनाएं दे दूं? कृपया आप लोग चिंतन करिएगा, मैं प्रश्न डाल रहा हूं। मैं भी शिक्षक हूं और मैंने 5 सितंबर को जो सार्वजनिक रूप से मैंने शुभकामनाएं दी, मैंने राष्ट्रमाता शिक्षा की साकार देवी सावित्रीबाई फूले माता को नमन करके शुभकामनाएं दी। कई हमारे सार्वजनिक ग्रुपों में जो विभाग के अधिकारी जुड़े हैं उन्होंने टिप्पणियां की कि ऐसा है आलोक जी, आपकी विचारधारा बड़ी गलत है, जो जिस महापुरुष के नाम पर आज शिक्षक दिवस है उसको आपने नमन नहीं किया। मैंने कहा मान्यवर, मैंने उनका अपमान भी तो नहीं किया ना, आप राष्ट्रमाता शिक्षा की साकार देवी सावित्री बाई फूले जी को गलत करार दे दीजिए या कह दीजिए वो शिक्षा की पहली साकार देवी या महान त्यागी महिला नहीं थी, जिन्होंने जहरीली व्यवस्था के समय, विषमतावादी व्यवस्था के समय लोगों के ताने सुनकर हमारे देश की बहन और बेटियों को, उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ब्राह्मण समाज की महिला है या बेटी है, ये क्षत्रिय समाज से है या फलाने समाज से, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो इस देश की महिलाओं को, देश मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रस्तावना में, मतलब हम भारत के लोग, हमारे भारत के लोगों के लिए राष्ट्रमाता फूले जी ने लोगों के ताने कीचड़ कंकड़ पत्थर सह करके शिक्षा के द्वार खोलने का काम किया था। तो मैं आप लोगों के सामने प्रश्न डाल रहा हूँ, क्या राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिवस 3 जनवरी के नाम पर शिक्षक दिवस की घोषणा नहीं होनी चाहिए, या अगर 5 सितंबर को मनाना है शिक्षक दिवस के रूप में तो फातिमा शेख और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी, इन दोनों महान विभूतियों जिन्होंने देश की महिलाओं बहन बेटियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया, तो इन दोनों महान त्यागी वीरांगनाओं महिलाओं के नाम पर, मातृशक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस का आयोजन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद लाइनें कहना चाहता हूं। अब यहां पर कोई लोग बाद में मेरे उद्बोधन के बाद टिप्पणी मत करिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका मतलब है एकता का, आप इसमें ये मत कहिएगा मैं हिंदू या मुसलमान कह रहा, कि हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये लहू है भारत देश का, यह लहू है भारत देश का, और जो हमारे समाज में प्रचलित है, हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, यह लहू है भारत देश का, यदि लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का, तो बहता लहू कुरान का मतलब गीता या कुरान या हमारा संविधान, जो हमारा तथागत बुद्ध जी का मानव धर्म है, यदि हम आपसी सामंजस्य से प्रेम बंधुत्व करुणा सामाजिक न्याय समता नहीं रखते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं या जाति व्यवस्था के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, तो आप समझ लीजिए हम तथागत बुद्ध जी का अपमान कर रहे हैं या मतलब बाइबिल का अपमान कर रहे हैं, कुरान का अपमान कर रहे हैं, गीता का अपमान कर रहे हैं, या अन्य जो भी महापुरुष हैं जिन महापुरुषों ने हमारे देश की आजादी के लिए
और हमारे समाज को और देश को नई दिशा देने का काम किया, उन सबका अपमान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक और चीज करना चाहता हूँ कि वर्तमान में पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष। मैं किसी से न ये कहता हूँ कि आप इसको बहिष्कार करिएगा, आप अपने पितरों को अपने पूर्वजों को नमन करेंगे अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी ठीक उनको याद करिए, उनके चित्र पर यदि उनका चित्र है तो उस पर श्रद्धा के पुष्प अर्जित करिए और माफी मांगिएगा कि हे बाबा या हे पापा, हे अम्मा, हे चाची, आप जब जिंदा थी तब मैं और मेरी बीबी अलग लखनऊ या दिल्ली बनारस में कमरा लेके रहते थे और आप अकेले गांव में चूल्हे पर कंडा पर रोटी सेंकती थी। आप जब पर्व या त्योहार पर भी मुझे बुलाती थी तो मैं कहता था अम्मा या पापा या बाबा मेरे पास समय नहीं, इसके लिए आप माफी मांगना। खाली ब्रह्मभोज खिलाने से आप पितरों को, अरे ये भूले, ये केवल लूटने की व्यवस्था है। क्योंकि आप बताइए, मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ एक क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं कि सपोज करिए जिस दिन ये कार्यक्रम आप कर रहे हो और यदि उसी दिन मतलब पंडाल लगा के सबको खिला रहे हो कि आज बाबा या पिता या माता जी का है ये कार्यक्रम, और यदि उसी दिन अब कोई लोग ये मत कहिएगा कि आपने आज आजी ये शब्द क्यों कहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और यदि तार्किक दृष्टिकोण से आप समझेंगे तो मेरी बातें तार्किक लगेंगी, गलत दृष्टिकोण से समझेंगे आप खुद एनालिसिस करेंगे तो भाषा गलत लगेगी आपको, शैली गलत लगेगी, ठीक। तो कृपया मेरा अनुरोध है उन बातों को तथ्य के अनुरूप में समझिए कि सपोज करिए जब ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है उसी दिन यदि मान लिया कोई कुत्ता आ गया, कुत्ता अन्यथा मत लेने, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूँ, आप लोग मानते हो ना, हमारे समाज मानता है पुनर्जन्म। तो सपोज करिए यदि मान लिया कुत्ता आ गया पंडाल में जहां पर ये खाना चल रहा, डूंगा में मटर पनीर छोला भटूरा सजाया है, यदि आ गया तो खुद आप डंडा लेकर दौड़ाते हैं उसको, अरे हट 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 भगाई कुत्ता। हो सकता है वो आपके अम्मा बाबा या बप्पा बन के आए हो तो जिनके लिए आप ब्रह्मभोज रखे हो। अब मेरा प्रश्न आपसे है, तब फिर इसका मतलब आपका ब्रह्मभोज करना बेकार, क्योंकि आपके पितर तो कुत्ता बन के आ गए वहां, या बकरी बनकर आ गए, या कोई बछड़ा बन के आ गए जो आपके पंडाल में घुस गया या प्रवेश कर गया, तब तो आप लठ लेकर उसको भगाते हो, ठीक, 1 किलोमीटर तक गांव के बाहर खदोड़ो। तो कैसा ये पितर पक्ष? वास्तव में यदि आपको मानना है तो हमारे आपके पूर्वज जो दिवंगत हुई है उनके सामने, उनकी प्रतिमा के सामने, उनके फोटो के सामने बैठ करके आपने जो उनकी सेवा नहीं कर पाई, जो पश्चाताप हो रहा, उनसे माफी मांगिए और उनको नमन करिए कि मेरी से जो गलती हुई है हे पूर्वज मुझे माफ करना, मैं अब ऐसा अपने समाज को और अपने बच्चों और पीढ़ियों को इसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जैसे आपके जाने के बाद मैं माफी मांग रहा हूं आपके चित्र के सामने, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे बेटी नाती नाता पोते मेरे चित्र के आगे माफी न मांगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय अर्जक सहित सभी महापुरुषों को तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। मैं जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके सबके विचार इसमें समाहित हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान इसी प्रकार से बनाया कि दुनिया के जितने भी की बात हो रही है सिर्फ ओनली उनकी, तो पहले तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड को कहा गया एससी। एससी का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है, वो एक अनुसूची बनाई थी 1931 की जनगणना में, अंग्रेजों ने अनुसूची बनाई जिसे हम अंग्रेज कहते हैं आज की भाषा में, तो उसको हम वो ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने, ब्रिटिश शासक और था, उन्होंने एक अनुसूची बनाई। उस अनुसूची में कहा कि भाई इतने लोग जो है जो गाँव से बाहर रहते हैं या कबीलाओं में रहते हैं, तो उसको एक अनुसूची बनाई। फिर एक एसटी बनाया, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एरिया, अनुसूचित एरिया, एक एरिया बनाया जो कि पहाड़ी जंगलों में रहते हैं जिनको सुविधाओं, जो सभी सुविधाओं से वंचित है, एक उसको एसटी कहा गया, उसको कह दिया शेड्यूल एरिया, ठीक है। एक ओबीसी कह दिया, ओबीसी अदर बैकवर्ड का जिसको, यानी कि अदर बैकवर्ड अगर पिछड़े सारे हैं इनको अदर कह दिया, अन्य भी कह सकते हैं अदर बैकवर्ड
क्यों कहा? क्योंकि इनको ये कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड है, इसलिए साबित किया गया है। तो 310 सीटें देखो हमें फिर भी दे दी बाबा साहब डॉक्टर की गवर्नमेंट ने। उनका तुमने कर्नल अवार्ड का तो विरोध कर दिया, परंतु मैं इसको घुमा के कर दूंगा। तो बाबा साहब ने घुमा करके 310 सीटें हमें दे दी। और फिर क्या होगा कि जैसे हम बैकवर्ड कहते हैं तो बैकवर्ड होगी, फिर जो हम नॉन बैकवर्ड है संविधान में इसमें कोई जाति नहीं गई है। अब उसमें बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड, जो बैकवर्ड नहीं है इनकी आज की भाषा में जैसे वो कहा था उन्होंने अपने नाम भूल गया उनको भी, जो मुख्यमंत्री उनके पिताजी ने कहते थे कि ये विदेशी है, हम उनको बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड कहते हैं, उनके सीटें रखी है 232। 310 अगर एक जगह हो जाए तो 232 ज्यादा है 310 ज्यादा है? अब मानने की बात है, देखो 310 हमारे सांसद है, अगर ये सब एक जगह होकर के अपनी सरकार बनाए और ये एक नहीं हो पाते, एक नहीं होते, क्योंकि जो है ना वो वही वाली बात होगी कि रोटी के भूखे हैं, ये सिर्फ रोटी के भूखे हैं। जैसे रोटी का टुकड़ा दिखा दो तो उसके पीछे भागते हैं, ऐसा करके सिस्टम है। बाबा साहब ने कहा था अगर रोटी के लिए तुम जी रहे हो तो अभी मर जाओ, अभी मर जाओ, और तुम रोटी अगर तुम जीने के लिए खा रहे हो तो तुम्हारा स्वागत है। तो ये जो है ना, ये मुझे लगता है 310 एक नहीं हो पा रहे, रोटी के लिए जी रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि अभी संविधान का पालन नहीं करवा पा रहे हैं 310 लोग, 310 सांसद जो मिलकर के, अभी 223 जो सांसद बन के आते हैं ये इनके पीछे पीछे घूमते हैं। अब बताओ संख्या तो 310 हमारी है और 223 की जो है सरकार बना रहे हैं, कैसे लोग हैं? अरे कैसा दिमाग है तुम्हारे अंदर, दिमाग ही नाम की चीज नहीं है। ये बहुत गहरे से सोचने की बात, ठीक है। फिर अब देखो, अब राष्ट्रपति की शपथ देखो किस प्रकार से की जाती है। अब हम राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं। राष्ट्रपति की शपथ जो है, अगर राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, ना सांसद बड़ा है, ना कोई और बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं है, ना ही जज बड़ा है। इसमें शपथ में राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि मैं अमुक सत्यनिष्ठा पर से प्रतिज्ञा करता हूँ या ईश्वर की शपथ करता हूँ, शपथ लेता हूँ के लिए जो भारत की जनता है, इनके लिए जो पूरी किसी जाति की बात नहीं हो रही, इसमें पूरे संपूर्ण भारत के नागरिकों की बात हो रही है, भारत की जनता की बात हो रही है। ये उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए आदेश करेगा कि भाई मुझे जो है ये काम करके दे, तो प्रधानमंत्री बन के आया है। और आज की तारीख में आप देख ही रहे हो कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमता है, कितनी मूर्खता वाली बात है, ठीक है। मैं अभी देखो इसकी शपथ का उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रपति शपथ का उल्लंघन कर रहा है, राष्ट्रपति ये नहीं पता कि शपथ में लिखा क्या है तेरे लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए शपथ में लिखा है, ठीक है, ये तो इसकी होगी शपथ। कितनी बड़ी बात है, हमने संविधान को नहीं समझा। संविधान के एक शब्द में बहुत जान है, अगर एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे तो भारत जो है, संविधान का जो भारत बनेगा वो दुनिया का एक विशेष भारत होगा, परंतु संविधान आज तक लागू नहीं हुआ। और हमारे जो 310 सांसद जो बन के जाते हैं, इनको पता ही नहीं कि संविधान क्या चीज है। अगर इनको पता होता कि संविधान के ओरिजिनल, इतना पता कहां संविधान की पुस्तक है, किसने लिखा, कि बाबा साहब ने लिखा है, इतना तो सबको नॉलेज है, परंतु उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर उसके शब्दों का अर्थ क्या है, ये कोई समझ नहीं रहा इस चीज को। इस दिन ये चीज हमारे समाज के लोग जान जाएंगे। हमने सबसे पहले यही काम करना है कि अपने समाज में संविधान की समझ पहुंचानी है। सबसे पहला हमने यही काम करना है कि हम 85% एक बाप की औलाद हैं, और हमारे जो है हमारे अंदर इसमें संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन करा 1995 में, फिर इसमें जो 16(4) जो अनुच्छेद 16 है इसमें संशोधन करके अनुसूचित जाति बना दिया, उसमें जनजाति जो अलग 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 कर दिया, फिर और भी संशोधन कर दिए, इसमें जो है एक और संशोधन कर दिया, फिर एक तो एक क्या बोलते 102 रोटी खाने के मेरा पेट भर गया। वो कानून का पालन नहीं करने गए, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पालन ही नहीं हुआ संविधान का अभी तक। संविधान में रोज अनुच्छेद, संविधान में संशोधन तो हो रहे हैं पर उन संशोधनों पर काम भी नहीं होता, ये हो रहा है। मेरे विचार इतने थे जो मैं जानता हूं। आज के इस ओबीसी अधिकार मंच पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी सार गर्भित बातें रखी और सभी डिफरेंट जो भी परिचर्चा का विषय था अपने अपने सभी ने मत रखे, और सबका मत वो अपना मत है, और हमें अपनी समझ से और जो हमारा इतिहास है, हमारा जो साहित्य है, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे पुरखे हैं, उनके बारे में हमें खुद ही जानना है, खुद ही पढ़ना है, और तब हमें जो भी बातें कही गई हैं और सुनी गई हैं हमारे द्वारा उनको आत्मसात करने की कोशिश करना है। इस कड़ी में मैं डॉक्टर कवल किशोर प्रजापति सर का, सुनीता मैडम का, आलोक वर्मा सर, निर्मल कनाथिया सर,
सुरेश चंद्र सर और बिशंबर सिंह सर के जो भी वक्तव्य थे बहुत सारे गर्वित थे मैडम, और जितने भी हमारे महोदय सब लोग जुड़े हैं सभी का, इस सभी चर्चा का जो आज विषय था उसमें कई सारे मुद्दे जो हैं, बिंदु जो हैं, वो सामने निकल करके आए हैं। तो कहना चाहूँगी कि जैसा कि सुनीता मैडम ने अपनी जो उनकी आप बीती है जीवन में वो भी बताया उन्होंने कि उन्होंने कैसे कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक सोच है उसके बारे में सोचा और कैसे उनको एक आघात मिला होगा उनकी जीवन में, तब उन्होंने समझा कि नहीं, एक जो सामाजिक समतामूलक समाज है और एक जो समानता का विषय है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके सामने आता है और आपको तब परिवर्तित होना पड़ता है, अच्छे के लिए परिवर्तित होना पड़ता है। तो इसको मैं मजबूरी नहीं कहूँगी, ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं हमारे इस मूल निवासी समाज के, तो उन्होंने हर जगह शिक्षा को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि आप शिक्षित बनेंगे तभी आप अपने इतिहास को जानेंगे, क्योंकि ये सत्य है, चाहे बाबा साहब ने कहा हो, चाहे महात्मा फुले जी ने कहा हो, या चाहे जो भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो कहा है कि जो जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं लिख सकता। और ये बहुत बहुत इस बात में बहुत सच्चाई है। और जो ये टॉपिक है उसमें मैं पिछली बार भी इस ओबीसी अधिकार मंच से अपनी बात मैंने कही थी कि जो इसमें हमारे संविधान की बात की जाती है, जो संविधान है वो हमारा क्या है, समता स्वतंत्रता भाईचारा और बंधुत्व की भावना पैदा करता है। तो इस मंच से एक यही संदेश जाता है कि आप संविधानवाद को समझिए, संविधान पे को पढ़िए और तब संविधान को के ऊपर आप आपका जो कमांड होगा, आप अपने जो आपके अधिकार हैं जब उनको आप जानेंगे तभी आप अपने समाज के लोगों को समझा पाएंगे और खुद एक जो अच्छे परिवर्तन की दिशा है उस दिशा में जाएंगे। क्योंकि जो हमारा संविधान है पूरी तरह से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बना हुआ है और उसके जितने भी नियम कानून हैं कहीं पर भी डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं करता, वो एक समतामूलक राष्ट्र की और समाज की स्थापना की ही बात करता है, एक वैज्ञानिक सोच की बात करता है। और जाहिर सी बात है कि जब तक हम संविधानवाद को नहीं समझेंगे, संविधान को नहीं समझेंगे, तो हम अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमें अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी जो है वो हमारा संविधान ही देता है। और सुरेश चंद्र सर ने आर्टिकल 37 के बारे में बताया, उसके साथ साथ आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 के बारे में बताया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम इस मंच से जुड़ते हैं तो हमें इसमें अपने जो हमारे महापुरुष हैं हमारे समाज के उनके बारे में तो जानने के लिए हमें बहुत सारी जानकारियाँ जो उनके जीवन के अनछुए पहलू हैं वो मिलते हैं, लेकिन आर्टिकल के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही सारगर्भित होती है। और इससे मेरा अपना जो विचार है कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे भगत सिंह हैं उनको हम सच नमन करते हैं और कहना चाहूँगी कि वो अमर शहीद हैं, चाहे कोई उनको दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन जो हम हमारा जो मूल निवासी समाज है उनको हम अमर शहीद का दर्जा देते हैं और वो हमारे लिए हमेशा महान ही रहेंगे, महापुरुष ही रहेंगे, क्योंकि जो उनकी इंसानियत की सोच थी, जो हमारा मूल निवासी समाज है, श्रवण संस्कृति का समाज है, वो हमेशा इंसानियत के धर्म पे रहा है और जिंदा रहा है। और विश्व गुरु जब रहा है, जब भी रहा है, तो वो इंसानियत के धर्म के दम पर ही विश्व गुरु रहा है। और यही इंसानियत का जो धर्म है उसको क्रांतिकारी जो शहीद भगत सिंह थे उनका भी जो धर्म था वो इंसानियत का ही धर्म था। तो हमें मान लेना चाहिए इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे मूल निवासी समाज के जो महापुरुष हैं उन्होंने उनके साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, हमें अपना इतिहास जानना चाहिए और मान लेना चाहिए कि जो इंसानियत है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमें जब हम इस धर्म के रास्ते पे चलेंगे तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, इस देश में जो सारे लोग हैं एक समतामूलक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, खुली आंखों का सपना था। जी सर, इसी बात का